बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए। ई से मुराद इलेक्ट्रॉन, निक, और ए से एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी कहते हैं लाइकनेस को, सही है, या लव को भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन को वो लाइक करते हैं, वो अपने अंदर उसको जज़ब करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से, और जिसकी वजह से फिर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एटम में, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर इसकी डेफिनेशन करें तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल आर वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जब हम किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में ऐड करेंगे, तो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एनर्जी रिलीज जो होगी वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। और हम इनको यूनिट जो इनकी वैल्यू के साथ यूज़ होते हैं, वो किलो जोल पर मोल यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोरीन हमने लिया गैसेस फॉर्म में, ठीक है, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो Cl-1 बना, क्योंकि एनायन बनेंगे इस प्रोसेस में ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुए वो -348.8 किलो जोल पर मोल, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन आप गैसेस उसमें लें, तो जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, -1 वाला एनायन बन जाएगा, और उसके लिए जो हमें एनर्जी रिलीज होगी उससे, वो कितनी होगी, -141 किलो जोल पर मोल, ठीक है। माइनस चार्ज क्यों लगा था, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसके लिए हमेशा माइनस का साइन इस्तेमाल होगा। माइनस ये इंडिकेट करेगा कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर ऑक्सीजन में हम उसके -1 वाले ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन जो पहले उसमें 6 थे न्यूट्रल में, फिर 7 हो जाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत है टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो तब हम क्या करेंगे, -2 उसका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बजाय, अब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो ये एनर्जी हम क्यों देते हैं, क्योंकि जब पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके दरमियान, और ये जो इजाफी दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करनी होगी, हमें एनर्जी देनी होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। तो वो प्लस में हम जाहिर करते हैं, +844 किलो जोल पर मोल हम एनर्जी देंगे उसको, तो तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी की रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि एनर्जी ऐड करेंगे। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो फैक्टर्स हैं वही चार फैक्टर हैं जो हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़े थे, यानी न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना पुल नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा, और उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जितना छोटा होगा उतना न्यूक्लियस का वैलेंस शेल या नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर पुल ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी। और एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड मुश्किल से होगा, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, शील्डिंग इफेक्ट। अगर इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन या इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है और शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा फिर होगा, तो आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम आएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितना कम्प्लीशन की तरफ होगा, यानी ऑक्टेट की तरफ होगा, तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन को देख लें,
क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप देख लें। और साथ साथ अगर वेल शेल भी ज़्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और भी ज़्यादा हो रही है, तो तब भी जो है इलेक्ट्रॉन इफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये दो तरीक़ों से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक तो सेम शेल की अगर बात करें सेम पीरियड में, तो वो हम फिर किस में बाद में करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में आखिरी शेल में। और अगर हम ग्रुप में बात कर रहे होंगे तो फिर हम किसके बारे में, नंबर ऑफ़ शेल के, वो कौन सा आखिरी शेल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कौन सा शेल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों बातें में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अपना अफेक्ट दिखाएगी। तो ये हो गए अफेक्ट फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं वेरिएशन या ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, ठीक है। क्या हो गए, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियडिक टेबल, के पीरियडिक टेबल में उसमें क्या वेरिएशन आती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू में। तो अगर आप पीरियड्स में बात करें हम, तो पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू लोअर शील्डिंग इफेक्ट, सही है। तो इन सब बातों को हम अगर उसमें करें, और ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टुवर्ड्स ऑक्टेट, तो इसलिए ये इंक्रीज होती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएँ, ये आपके ग्रुप हो गए, अगर टॉप टू बॉटम आप ग्रुप में आएँ तो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक जो है शील्डिंग इफेक्ट वो इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। उसके साथ साथ एटॉमिक जो है आपका सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, बल्कि कॉन्फ़िगरेशन जो है नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो रहे होंगे, तो तब भी जो है न्यूक्लियर पुल कम होगा। तो इसलिए ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है फ्राम टॉप टू बॉटम, और पीरियड में फ्राम लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो ये आपका सारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक हो गया। हमने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ को पढ़ लिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के पूछ सकते हैं। वीडियो को फुल देखने के बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।